अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, तभी से ठीक है आपकी। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी सर आतिफ अब्दी की, जो मैंने शेयर की थी। उसमें सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन कर दिया इंडस्ट्री आर्टिकल्स को। सर ने इंडस्ट्री आर्टिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे यहाँ भी नहीं किया जाता और इसको डिस्करेज किया जाता है इंडस्ट्री आर्टिकल्स को। मेरी नज़र में मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मेरे जस्ट पॉइंट्स हैं, थाट्स हैं कि जो इंडस्ट्री आर्टिकल्स हैं आज के दौर में आपको करने चाहिए, बिकॉज़ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर जो है एक इन्वायरमेंट मिलता है इसमें। और अब चूंकि जो हालात हैं फॉर्म्स के, हालात फॉर्म बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं, तो इसमें इंडस्ट्री आर्टिकल्स को भी प्रेफर करना चाहिए। इसमें फिर एक ये डिसएडवांटेज आ जाता है, डिसएडवांटेज नहीं कह सकते आप इसको, कि आप एक ही सेक्टर में फिर अगर आपने बाहर मूव करना, जिस तरह सर ने एग्जाम्पल दी SNGPL की, इस तरह टेली कम्युनिकेशन PDCL हो गया, तो अगर आप टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में ही मूव करेंगे आगे इन फ्यूचर, बाहर भी अगर आपने जाना, तो इस तरह ऑयल एंड गैस में करेंगे अगर आप SNGPL से हैं, तो इस तरह आप जिस सेक्टर में होंगे फिर आप उसी सेक्टर में जो है वो अगर आपने बाहर भी जाना तो उसमें मूव करेंगे। दूसरा, फॉर्म्स का फायदा ये होता है कि फॉर्म्स में आपको जो है वो मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बाहर जाने की, बिकॉज आपके दोस्त यार लोग, जैसे तरह सर ने बताया कि अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना है, वही दोस्त यार इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, आपको उनसे हेल्प हो जाती है। इस तरह फॉर्म्स में होता है कि फॉर्म्स में बाहर दोस्त यार होते हैं, आपको पता चलता रहता है किस फॉर्म में ओपनिंग्स आई हैं, किस फॉर्म में नहीं, बिकॉज चूंकि मैं जॉब्स को भी देख रहा होता हूँ, जॉब्स रिक्रूटर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे जो है वो आइडिया होता है कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स करने के बाद थोड़ा सा बाहर के मुल्क में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। पाकिस्तान में तो उनका अच्छा क्या नाम है, जिस तरह सर ने बताया कि करियर आपको उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फॉर्म में जो है आपको 3.5 साल पहले काम करना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, फिर जाके आपका करियर जो है वो स्टार्ट होता है। शादी वाली बात सर ने बहुत अच्छी की कि उसमें आपकी जो है ना वो, आप जैसे ही क्या नाम है आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं अगर आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो अपना जोश और जज्बा हाई रखें, इंडस्ट्री आर्टिकल्स करें स्टार्ट, और 40-50 हज़ार रुपये आपको मिलेगा इंशाल्लाह, आप शादी भी साथ ही कर सकते हैं, और बड़ा देरीना ख्वाहिश होती है हर किसी की शादी करने वाली, शादी भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उसमें, तो आपको वो सुननी चाहिए वीडियो। अच्छा, उसके बाद एक सवाल हुआ कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं करता, तो वो बात हो गई सारी, सर ने कर दी, मैंने कर दी, और उसके अलावा आप कहते हैं कि पता कैसे चलेगा इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ पे, उसकी इंडक्शन कब कैसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री उसकी इंडक्शन कब ओपन। अच्छा, मैं करता ये हूँ कि जब भी किसी की इंडक्शन होती है ना, तो मैं ग्रुप में मैसेज करता रहता हूँ बार बार अपने ग्रुप्स में और चैनल में कि जिसकी इंडक्शन हो आप मुझे अपना नंबर सेव करवा दें, तो मेरे पास तकरीबन हर इंडस्ट्री से जो है ना वो बच्चों के नंबर सेव है। अब जिस तरह ही उस इंडस्ट्री की इंडक्शन ओपन होती है, किसी फॉर्म की इंडक्शन ओपन होती है, उसी टाइम मुझे बता देते हैं सबूर भाई इंडक्शन ओपन होगी, वो मुझे पोस्टर शेयर कर देते हैं और मैं ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। आपको पता हमारे ग्रुप से ही चलेगा, मेरी लिंक्डइन आईडी से पता चल जाएगा, हमारे चैनल से, हमारे ग्रुप्स में से आपको पता चलेगा कि इंडक्शन ओपन किस जगह पर हुई। अच्छा, इंडस्ट्री की लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सर ने जैसे तरह बताइए 53 है, शायद ज़्यादा होंगी, वो आई कैप के पोर्टल में भी लिस्ट पड़ी हुई, अगर आप गूगल पे लिखे ना आईकैप TOOP लिस्ट, तो आपको लिस्ट इजीली मिल जाएगी। अच्छा, इस फॉर्म्स की तरह नहीं है कि अगर एक इंडस्ट्री का ऑफिस जो है वो अगर इस्लामाबाद में भी है तो वो कराची के लिए भी हायर करेगा, वो लाहौर के लिए भी हायर करेगा, मोस्टली जो है वो इनके हेड ऑफिस जहाँ पे होते हैं वो लोग जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, वो लोग जो है वो हायरिंग कर रहे होते हैं, और ये हर शहर में भी इंडस्ट्रीज नहीं है, जिस तरह सियालकोट में फॉर्म्स हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं है, गुजरावाला में सियालकोट में फॉर्म्स हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं है, गुजरावाला में फॉर्म्स हैं इंडस्ट्री नहीं है, इस तरह मुल्तान में एक दो इंडस्ट्री है, आई थिंक फजल क्लॉथ है और कोई है कि नहीं, आई डोंट नो, इस तरह इस्लामाबाद में SCCP है, क्या नाम है SCCP है, PDCL है, आई थिंक OGDCL भी पता नहीं हो चुका हुआ कि नहीं हो चुका, तो इस तरह लाहौर में भी हैं काफ़ी ज़्यादा, कराची में भी हैं ज़्यादा जो है वो मोस्टली कराची में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में 3-4 ही हैं, उसके अलावा फिर जो है वो बहुत कम है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो हर शहर में नहीं आपको मिलेंगी, ठीक है, जिस तरह फॉर्म्स आपको हर शहर में कोई ना कोई मिल जाएगी, इस तरह इंडस्ट्रीज हर शहर में आपको नहीं मिलेगी। इंडक्शन जब ओपन होगी आपको इंशाल्लाह इन्हीं ग्रुप्स में पता चलेगा, आपको कहीं और भी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं किसी चीज़ की तो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, आपको इंडक्शन जो है वो इसी ग्रुप्स में पता चलेगा कि इंडक्शन कब ओपन हो रही है, और उसके अंदर क्राइटेरिया भी स्पेसिफाइड होते हैं कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कि सेफ्टीज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह मैं अपनी पोस्ट को इतना क्लियर रखूंगा कि उसमें मैं लिखा करूंगा कि अगर रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और हर चीज़ जो है मैं इंशाल्लाह जो आपके लिए जरूरी होगी वो मैं चीज़ उस पोस्ट में लिखा करूंगा, ताकि आपको कोई चीज़ में क्या नाम है वो परेशानी ना हो। गुजारिश ये है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो आपको करना चाहिए काम, ठीक है। वीडियो पहले देखें आप, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में CV बनाएं अपनी अच्छी चीज़, उसके बाद सर आते वापस वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी साथ साथ बताता रहूँगा। अब मैं जो है वो कल जुमा होगा, हाँ कल रात को या परसों को मैं वो कोर्स भी शेयर कर दूँगा आपको, जो मैंने कहा वो आपको कर लेने चाहिए अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कोर्स आपको इंडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथिंग में हेल्प करेगा, तो ये चीज़ मैं कल इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। हसन से मेरी बात होगी, वो कह रहा आप शेयर कर दो, वीकेंड पर जो है ओरिएंटेशन रख लेते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूँगा। उसके अलावा जो है ना वो CVs हम रिव्यू नहीं कर पाएंगे, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया जिससे आप CV बनवा सकते हैं, अच्छी CVs बनाते हैं वो दोनों, तो बाकी CV हम रिव्यू नहीं कर सकते, वो आप जब मैं ग्रुप ओपन करूँगा इंशाल्लाह वीकेंड पे, तो आप वहाँ पे एक दूसरे के CVs जो है वो रिव्यू कर सकते होंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता, आप भी काइंडली इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को कंसिडर करें कि यार बार बार आप मैसेज नहीं करें कि CV रिव्यू कर लें, CV रिव्यू कर लें, अगले बंदे को शर्मिंदगी भी होती है, परेशानी भी होती है कि टाइम कम है, आपको गाइड भी करना है, और ये जो है वो सर्विसेज जो है एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है,
तो बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। फिलहाल मैं, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक मैं आपको सर डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर भी शेयर करूँगा कुरान की, जिस तरह सर आतिफ आबदी ने बताया अपनी वीडियो में कि ये 2 महीने 2.5 महीने अपने आपको बहुत आपने जो है ना ब्लेस्ड बनाने, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हर किसी से शेयर करता हूँ जब फ्री होते हैं बच्चे, कि आपको वो देखनी चाहिए तफसीर कुरान मजीद की इंशाल्लाह, तो वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह आज शाम को, ठीक है। तो वो भी आप देखिएगा इन 2 महीनों में 2.5 महीनों में टाइम निकाल के कम अज़ कम कोशिश करें 2-3 सफारे अपनी तफसीर जो है वो लाजमी कंप्लीट करें, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसको देखते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, सबूर अहमद को अपने दुआ में याद रखिएगा, आपको इंशाल्लाह हर अपडेट मिलेगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, हर चीज़ के बारे में अपडेट मिलेगी, बस आपने सब्र रखना है और ग्रुप्स को फॉलो करना है, इनबॉक्स को फॉलो नहीं करना, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।